कलेक्ट्रेट और शिक्षा विभाग रमेश जी देखते हैं तो उनसे एक बार जम जाएगा, घर से जाते डिपार्टमेंट करता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको नाम तो है, लोगों को इंटरेस्ट है अच्छा। दूसरा क्या है, यहाँ तक मैंने देखा है लोगों को दरवाजा, आप आएंगे घूम जाएंगे देख जाएंगे। और आपको अब तो अभी नहीं आ रहा है उस हिसाब से बात है भाई। निकालेंगे तो ये नया पोखर बन जाएगा। ये केवल देखो आ गया नहीं अभी इससे हम पौधे भी तैयार कर रहे हैं। किया जा रहा है किस प्रकार की बागवानी और सरकारी पहली बार यहाँ बिलासपुर में ऐसा देखने के लिए मिलता है। जी जी, सरकार द्वारा यहाँ पौधे का वितरण किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक्चुअली सभी विकासखंड मुख्यालयों पे हैं, लेकिन फ्लोरीकल्चर की व्यवस्था ये हमारे उप संचालक महोदय द्वारा अभी शुरू की गई है 8 महीने पहले, तो पहले भी थी लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि शहर के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने मनपसंद का पौधा भी लेके जा रहे हैं। कितने भी, क्या क्या पौधे यहाँ? ये पौधों की वैरायटी बहुत हैं, करीब 60-70 तरह की वैरायटी हमारे पास हैं। पुष्पों की हैं, फलों की हैं, आपके ऑर्नामेंटल में हैं, गमले सहित भी पौधे हम देते हैं। अभी तक के लोगों की क्या रुचि आ रही है? लोगों की रुचि तो शहर से काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन एक्चुअली फ्लावरिंग स्टेज वो चाहते हैं फले हुए, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है मेरे को, लेकिन
आगे से हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को फले फूले हुए पौधे ही मिलें ताकि उनकी रुचि और बढ़ती जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहरी और ग्रामीण बंधु यहाँ जुड़ें, उनको फ़ायदा होगा, रेट में भी फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। नाम बता दें? मैं आरके यादव, यहाँ पर प्रभारी अधिकारी हूँ। Thank you.